जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि चिराग मॉडल फिर से तैयार किया जा रहा था, तो चिराग पासवान भड़क गए हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है क्या, ये बड़ा सवाल तैर रहा है। दरअसल जिस तरह से सियासी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे में ये सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच चिराग पासवान जो कभी एनडीए में शामिल थे, एनडीए से बेदखल हो गए थे नीतीश कुमार की वजह से, अब उन्होंने फिर से एक बार बीजेपी पर बीजेपी के समर्थन में बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार की सियासत जिस तरह से पल पल बदल रही है, बयानों के तीर चल रहे हैं। ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो जेडीयू के अंदर, वो बयान दे रहे हैं, ऐसे में समझा जा रहा है कि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और इस बीच ललन सिंह, आपको बताया कि वो मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ऐसे में चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है, अब उन्होंने खुलकर बीजेपी के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुन लीजिए आप। के विकास मॉडल की आप बात करते हैं ना, जिसका साथ बिहार की जनता ने दिया, और कौन है वो लोग? सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान का बहाना बनाकर भाजपा के ऊपर वार नहीं करें। अगर उनको भाजपा पे वार करना है तो सीधा जाएं वार करें। ये मुख्यमंत्री, इनको नीति आयोग की बैठक में जाना जरूरी नहीं लगता क्या? वो कोई पारिवारिक बैठक चल रही है क्या? वहां पे प्रधानमंत्री जी आपको चाय नाश्ते पर खाना खिलाने के लिए बुला रहे हैं? भैया, बिहार के भविष्य को लेकर नीतियां गठित होती हैं नीति आयोग में। आप विशेष राज के दर्जे की मांग सड़क पर करते रहते हैं जनता को झुंझुना दिखाने के लिए। जो औपचारिक मंच है, जो औपचारिक फोरम है, उस फोरम पे आप इस बात को नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में बताएं? भैया, अगर आपको नरेंद्र मोदी जी से बैर है, भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको बैर है, तो उसका गुस्सा बिहार की जनता से निकालेंगे क्या? ममता बनर्जी जी जैसी, भाई उन्होंने कम विरोध किया क्या केंद्र सरकार का? तमाम बड़े से बड़े विरोधी दल, उनके मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। केजरीवाल जी दिल्ली में रहकर रोज विरोध करते हैं, तमाम विपक्षी दल के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। क्यों मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे? पहुंचते वहां पर जाकर डंके की चोट पर बोलते कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तमाम बिहार से जुड़ी हुई, क्यों नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग करते? प्रधानमंत्री जी यहां पटना आएंगे, उनके मंच पर खड़े होकर बिहार की जनता को सुनाने के लिए मांग कर देंगे। और जो ऑफिशियल फोरम है, जो ऑथराइज फोरम है, उस फोरम पे ये बात नहीं करेंगे, उस फोरम में जाना जरूरी नहीं समझेंगे? क्यों भैया? एक पार्टी का विरोध करते करते, एक नेता का विरोध करते करते पूरे प्रदेश की जनता का विरोध करने लग गए, और वहीं चिराग पासवान का विरोध करते करते आप पूरे विकास के मॉडल का विरोध करने लग गए, आप पूरी बिहार की जनता का विरोध करने लग गए। इसीलिए साथियों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सत्ता के लालच, सत्ता के लालच में, कुर्सी के लोभ में उनकी कोई, उनकी पार्टी का एजेंडा, उनकी पार्टी का सिद्धांत, उनके कोई विचार मायने नहीं रखते। जो मुख्यमंत्री 8 साल में तीसरा गठबंधन बदलने की सोच रखते हो, तो उनसे बिहार की जनता क्या अपेक्षा रखे, इसके लिए बिहार की जनता खुद बुद्धिमान है जानने के। तो सुन लिया आपने चिराग पासवान, दरअसल जिस तरह से मॉडल की बात कर रहे थे, चिराग मॉडल की बात कर रहे थे ललन सिंह, कहीं ना कहीं इशारे में जो वो बता रहे थे कि चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया चुनावों में, 2020 के चुनावों में, किसके इशारे पर, हालांकि उन्होंने ये बात का खुलासा नहीं किया था, लेकिन चिराग पासवान पर जिस तरह से निशाना साधा आरसीपी सिंह के बहाने, तो वैसे में चिराग पासवान पूरा भड़क गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि नीतीश जी का मॉडल क्या है, जरा वो बताएं कि नीतीश मॉडल आखिर क्या है, चिराग पासवान का जो मॉडल है उसकी परिभाषा उन्होंने दे दी है, तो ये भी आप सुन लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे, पिछले 16-17 सालों में अधिकांश समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में रहे, जिसके साथ आप गठबंधन में रहे वही गठबंधन में कैसे कमजोर पड़े, उसकी भी इन्होंने कोई कोर्स कसर तो नहीं छोड़ी भाजपा को कमजोर करने के लिए। भाजपा की हर नीति का इन्होंने विरोध किया, और ये बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका निभाई।
ऑनेस्ट अलाई की भूमिका यह होती है कि भैया आप एक तरफा डिसीजन लेते रहे, ऑनेस्ट अलाई की भूमिका यह होती है कि भैया सरकार आपकी होगी, तीसरे नंबर की पार्टी आप होंगे, तब भी मुख्यमंत्री आप होंगे और आप ही के सरकारी एजेंडे पे सरकार काम करेगी। सात निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा? क्यों गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जो हर गठबंधन की राजनीति, हर गठबंधन की परंपरा रही है। पिछली कितनी भी गठबंधन की सरकारें देख लीजिए, हर गठबंधन की सरकारों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ड्राफ्ट किया जाता है। क्यों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन इसमें नहीं जोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं जोड़ा? 2020 में चिराग पासवान से किस बात का इशू हुआ भैया? उस वक्त मैंने इसी बात का मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री के विकास के सात निश्चय के मॉडल पर। मैं नहीं मानता कि भैया सात निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार जैसा राज्य जहां पर गरीबी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहां पर हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करने की जरूरत है, उद्योग खोलने की जरूरत है, आईटी सेक्टर्स की बात करने की जरूरत है, एजुकेशनल हब बनाने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय में कहीं नहीं दिखता। उस वक्त इसी बात को लेकर हम लोग के बीच में तनातनी हुई थी, उस वक्त इसी बात को लेकर मैंने इनसे आग्रह किया था कि भैया पहले हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपने सरकारी एजेंडे का हिस्सा? और चलिए चिराग पासवान से तो आपको बैर, क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान से आपको बैर रहा, इसलिए आपने हमारे विजन डॉक्यूमेंट को नहीं जोड़ा। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं जोड़ा? और फिर ये लोग बात करते हैं गठबंधन की, ये लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट अलाई की तरह हम लोग रहे। भैया ईमानदारी की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बिहार की जनता के बारे में सोचते तो आज बिहार के ये हालात नहीं होते। आज अगर बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा है तो उसके एकमात्र जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुन लिया आपने कि चिराग पासवान ने अपना मॉडल बता दिया है और नीतीश कुमार की पार्टी से पूछ दिया है कि आप अपनी पार्टी का मॉडल बता दीजिए, नीतीश मॉडल बता दीजिए आखिर है क्या। तो अब सियासत खूब हो रही है बिहार के अंदर, आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए कथित न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।